नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सचमुच इंतहा हो गई इंतजार की। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के हिस्से में अगर कुछ आता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इंतजार। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी एक बार फिर से परवान पर चढ़ने लगी है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत की जंग चली कई दिनों तक, उससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये तो लगा था कि चलिए कम से कम इस झगड़े का जब पटाक्षेप होगा तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा, यानी राजनीतिक नियुक्तियां होंगी और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दरअसल राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार इतने लंबे अरसे से लटकता आ रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भले ही हमें राजनीतिक नियुक्ति में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जिसको मिल रहा है वो वक्त रहते मिल जाए, क्योंकि अब इंतहा हो रही है। और वहीं पायलट कैंप के जो नेता हैं उनकी बेचैनी किसी से छिपी नहीं है, और जाहिर तौर पर इस बेचैनी का होना लाजमी है, क्योंकि एक साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, ना तो कोई पद है और ना ही कुछ है। तो जाहिर तौर पर चूंकि 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया और वक्त भी बेहद कम है, ऐसे में यदि इस प्रकार से परिस्थितियां चलती रहीं तो किस प्रकार से नेताओं का गुस्सा और बेचैनी सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी, ये किसी से छिपा नहीं है। खैर, जानकार और सियासी विश्लेषकों का ये भी कहना है कि पायलट गहलोत के झगड़े में ये शांति नहीं बल्कि तूफान से पहले की शांति है, यानी ये मान के चलिए तूफान और बवंडर दोनों साथ आएंगे। खैर, इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी दिल्ली दरबार से निकल कर आई है। खबर है कि प्रियंका गांधी पिछले 10 दिनों से ज़्यादा वक्त से शिमला में है। इसके पीछे की वजह है गर्मी में जो दिल्ली का जो चूंकि तापमान है वो बेहद तल्ख है, इस वजह से कहा जा रहा है कि शिमला प्रियंका गांधी छुट्टियां मनाने के लिए गई हैं, और प्रियंका गांधी की जो राह है वो सचिन पायलट देख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि राजस्थान में जिस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत की जो सियासी वर्चस्व की जंग चल रही है उसमें अब राहुल गांधी ने भी हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब सचिन पायलट को प्रियंका गांधी से ही उम्मीदें हैं। इसलिए सचिन पायलट प्रियंका गांधी की राह देख रही हैं कि कब प्रियंका गांधी दिल्ली आएंगी और उनकी शिकायतों का, सियासी जख्मों का इलाज करेंगी, शिकायतों का कब निवारण करेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर पायलट कैंप को मंत्रिमंडल विस्तार से कम अब कुछ भी मंजूर नहीं है। दरअसल पायलट कैंप की ये एक रणनीति है कि जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार करवा दिया जाए। खैर, अब देखना यह है कि कब प्रियंका गांधी आती हैं दिल्ली और कब पायलट के सियासी जख्मों का इलाज हो पाता है। खैर, ये तो थी पायलट गहलोत के सियासी वर्चस्व की अनंतहीन कथा का एक छोटा सा पार्ट, लेकिन अब आपको बता देते हैं उसके इतर कि किस प्रकार से राजस्थान की सियासत में शेर, गीदड़, हाथी, कुत्ते, पक्षी, घोंसले, यानी क्या क्या नहीं हो गया। दरअसल जो गीदड़ और शेर की शुरुआत है ये पायलट कैंप से हुई थी, लेकिन अब महेश जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जो फोन टैपिंग की तकरार है वो अब पोस्टर में तब्दील हो गई है। दरअसल पोस्टर वार इस कदर इन दिनों राजधानी जयपुर में चल रहा कि चारों ओर इसकी चर्चा है। आपको बता दें, जब से फोन टैपिंग का जिन्ह निकला है और दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से महेश जोशी का बुलावा आया है, उसके बाद से राजधानी जयपुर में महेश जोशी के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पाट दिए कि महेश जोशी के साथ पूरा जयपुर है, जिसके जवाब में आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को हाथी दिखाया गया और इनको, उनके विरोधियों को कुत्ता बता दिया गया। यानी मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप देखिए कि राजस्थान की सियासत में भाषा की मर्यादा और राजनीतिक गरिमा किस प्रकार से रसातल में जा रही है। हो सकता है
कि राजस्थान के लोगों ने सियासत का इतना गिरा हुआ स्तर इससे पहले ना देखा हो। खैर, जिस प्रकार से पोस्टर वॉर और आपसी तकरार चल रही है, इसमें सियासी विश्लेषकों के साथ साथ सूबे की आम आवाम की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि राजनेता आपस में लड़ना कब बंद करेंगे और जनता का भला कब होगा। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।